रेशमा टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं मावा केक। तो ये केक कैसे बनाते हैं ये आप वीडियो में जरूर देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के रेसिपी। फ्रेंड्स, टी टाइम केक में हमारे और भी रेसिपीज़ अपलोड है, आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई करो। उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर एक एक में अंडा और मावा का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है और बाउल में मैंने बटर लिया है। तो बटर मैंने वेइंग स्केल पर मेजर करके लिया है और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बटर लिया है जो कि 50 ग्राम है। और यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करने वाले, हैंड विक से ही करने वाले हैं। हैंड विक से हमें वक्त लगेगा, लेकिन आज की ये रेसिपी मैं आपको बिना इलेक्ट्रिक बीटर के दिखाने वाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हो। तो हमें इस बटर को अच्छे से फेंटना है, इसे थोड़ा फ्लफी होने तक। अब इस बटर में हम एक अंडा डालेंगे पूरा। यहाँ पर हमें कोई एग वाइट येलो वाइट सेपरेट नहीं करना है। पूरा अंडा डालने के बाद भी हमें बटर और अंडे को अच्छे से फेंटना है और उसे कम से कम 2-3 मिनट फेंटने के बाद हमें इसमें चीनी पाउडर डालनी है जो कि हमने आधा कप ली है। यहाँ पर हमने 240 ml का कप यूज़ किया है और उसका आधा कप चीनी यानी कि 120 ml कप से मेजर करके मैंने यहाँ पर चीनी पाउडर लिए हैं। और ये मैंने यहाँ पर खोया लिया है जो मार्केट में आपको मिलता है, और यहाँ पर मैंने खोया लिया है वो है 1/4 कप। और उसी में अब मैंने मैदा डाला है और मैदा हमें स्ट्रेन करके डालना है, और मैदा मैंने 3/4 कप लिया है। 180 ml के कप से मेजर करके यहाँ पर आपको मैदा लेना है और इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है 1/4 TSP और बेकिंग पाउडर डालनी है 1/2 TSP। इसे भी हमें स्ट्रेन करके ही हमारे बाउल में डालना है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप ज़्यादा पुराना ना यूज़ करो, उसमें रिएक्शन कम होती है, वो एक्टिव नहीं होते, तो हमारा यहाँ पर केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो स्ट्रेन करने के बाद हमें यहाँ पर अब हैंड विक्स इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पर इलायची की पाउडर डाल सकते हो 1/4 TSP। मैंने पाउडर नहीं डाली, मैंने इंसेंस डाला है। और हमें इस बैटर को अब स्पैचुला से ही मिक्स करना है। यहाँ पर हमें 1/4 कप इतना दूध लेना है और इसे भी थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर में मिक्स करना है। अगर मैदा पुराना हो तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन केक के लिए हमने कैसी कंसिस्टेंसी बनाई है ये भी आप देखिए। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये 5 इंच का टिन है जिसे मैंने नीचे बटर पेपर लगाया है। अब इसमें हम सारा बैटर डालेंगे और कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही रखनी है, थोड़ी गाढ़ी रखनी है। जैसे कि हम प्रीमिक्स का केक बनाते हैं वैसी कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमें नहीं करनी है। और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो, टूटी फ्रूटी से कर सकते हो। पूरे 20 से 25 मिनट में हमारा ये केक बेक हो जाता है। वो देखिए कितना फूल कर ऊपर आया है। हमारा बैटर आधा था लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा केक टिन हमारे केक से भरा हुआ है। तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी ब्रेड इम्प्रूवर के हमारा केक अच्छा से फूला है। और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस मावा केक को ज़रूर ट्राई करो। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करो। आप देखिए कि कितना सॉफ्ट है और इसकी जालियाँ भी देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।